लोगों ने मेरी वो नई वाली डिजाइनर ड्रेस नहीं देखी ना? अभी अगली बार जब तुम लोग मेरे घर आओगे ना, तब मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी क्या ड्रेस है वो सच्ची। कामिनी वो देखो। हाय कामिनी, कैसी हो तुम? क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? नाराज हो मुझसे? लेकिन मैंने किया क्या है? अरे इसे क्या हो गया? अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को नहीं पता कि प्रिंसिपल मैम रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट करने वाली है? इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या हो सकती है? कहीं कोई सरप्राइज टेस्ट तो नहीं लेने वाले? अब चलो चलते हैं। लिसन स्टूडेंट, लिसन, मैं आपके लिए कोई सरप्राइज टेस्ट अनाउंस करने वाली नहीं हूँ। साइलेंस साइलेंस। बल्कि मैंने आप सारे स्टूडेंट के लिए एक पिकनिक कप एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए आप सब लोगों को कल यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। ओके साइलेंस साइलेंस। ओ नो, शॉपिंग भी करनी है डिफरेंट डिफरेंट डेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस, और उससे मैचिंग करते हुए दूसरी चीजें। इन सब चीजों की वहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। लेकिन बच्चों, वही बच्चे ट्रिप पर जाएंगे जिनका असाइनमेंट कंप्लीट है, और सावरी आप सबके असाइनमेंट चेक करेगी। यस, क्योंकि पूरे क्लास में सावरी एक ऐसी बच्ची है जिसने अपना असाइनमेंट सबसे पहले कंप्लीट किया। अब एक नौकरानी हमारे असाइनमेंट चेक करेगी। देखो, बोलो ना सावरी। मॉम प्लीज, एक बार प्लीज। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अभी इतना सब कुछ हुआ है और मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर रखूं। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा आपसे दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सावरी, कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। अब वहां पर मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मॉम प्लीज प्लीज, कुछ ही दिनों की तो बात है श्वेता, लेकिन प्लीज हमें जाने दीजिए। और कामनी और निकिता भी तो जा रहे हैं ना, हमें जा... क्या हो रहा है बच्चों? जब इतना कह रहे हैं बच्चे तो जाने देना इन्हें सलोनी। अरे सलाइली जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? अरे जाने दीजिए भाई बच्चों को। थैंक यू फूफा साहब, थैंक यू भाभू। अब तो आप भी मान जाइए भाभी साहब, कुछ दिन के लिए बच्चों को बाहर जाने दीजिए। इनका कौन ख्याल रखेगा वहाँ? माना के टीचर्स भी होंगे इनके साथ, लेकिन हर एक का अलग से ख्याल रखना मुश्किल है ना। और फिर श्वेता की तबीयत तो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है, ऐसे में इनको कैसे? अरे आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अरे भाई, घर का लड़का है, आदित्य साथ जा रहा है। अरे भाई, वो सबको संभाल लेगा, है? आखिर बड़ा भाई जो है, अरे तो फर्ज है उसका। क्यों आदित्य? दीजिए ना मॉम, सबने परमिशन दे दी है और भाभू ने भी तो कह दिया है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जा सकते हैं। ये